हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। ये है डाटा इंटरप्रिटेशन का टैबुलर डीआई का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर करवा दिए हैं एंड मैंने पाई चार्ट भी करवा दिया है। ये जो अभी सीरीज चल रही है बिगिनर लेवल की चल रही है, फिर हम मॉडरेट को टच करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल को टच करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको पूरा देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। बाकी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी है वो आप तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस को, जैसे हम हमेशा करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। देखिए, अब हमारे सामने क्या दिया है, एक डीआई दी है और हमें कुछ बच्चे बताए गए हैं, आयुष, अमन, सेजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी एंड तरुण। ठीक है, हमें सब्जेक्ट बताए गए हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, और हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताए गए हैं। ये है आपके टोटल नंबर, 150 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है, 130 का केमिस्ट्री का, 120 का फिजिक्स का। ठीक है, और ये है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि 150 में से इसके 90 नंबर आए हैं, 90 नंबर आए हैं, लेकिन नहीं, 150 में से इसके 90% यानी कि 135 नंबर होंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आयुष का निकाल के दिखाता हूँ। आयुष की अगर बात करें तो 120 नंबर का पेपर है फिजिक्स का। ठीक है, और आयुष ने 90% मार्क्स लिए हैं, 90% मार्क्स यानी कि 90/100। इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 12 9 0 108। इसी तरीके से नेक्स्ट आ गया अमन। ठीक है, अमन की मैं बात करता हूँ अगर, तो वो क्या है, 80% ऑफ 120, 80% कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, 12 8 96। फिर आ गया सेजल। सेजल की अगर मैं बात करूं तो सेजल को मिल रहे हैं 70%। ठीक है, ये रहे सेजल के 70, तो 12 7 कितना हो गया, 84। नेक्स्ट आ गया मेरे पास रोहित, रोहित को मिल रहे हैं अगेन 80%, तो ये कितना आ गया, 96। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरे पास मुस्कान, मुस्कान की अगर मैं बात करूं उसको मिल रहे हैं 85%। 85 इंटू करेंगे हम 120 अपॉन करेंगे 100, 26 और 25 ये आ गया 17। 17 6 कितना आ गया, 102। ठीक है, फिर आ गया मेरे पास नीचे तन्वी, तन्वी की बात करूं तो तन्वी को कितना आया, 65%, 65 × 120 अपॉन 100, 26 25 ये आ गया 13, 13 6 कितना होता है, 78, तो ये आ गया 78। और लास्ट में क्या है मेरे पास, तरुण, तरुण को कितना है, 50% यानी कि आधा, तो 120 का आधा कितना हो गया, 60। अब इसका सम टोटल करते हैं, 8 6 14 4 18 6 24 24 2 26 8 34, 3 carry 3 9 12 8 20 9 29 29 7 36 6, 4 carry 1 2 4 6। तो कितना आ गया, एवरेज क्या होता है मेरे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सम कितना आ गया मेरे पास, 624, और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, 7। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 8 कटेगा, 56 आया। ठीक है, तो कितना नीचे आया, 64, तो हम करेंगे 9 63, तो 10 आया, तो 89.1। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर है 89.1। आई होप आपको समझ आया होगा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन है, ठीक है, ध्यान से हमने क्वेश्चन पढ़ना है।
यहाँ हमें उनके एक्चुअल नंबर नहीं बताए गए हैं, यहाँ परसेंटेज गिवन है। अगर समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू हमें कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 60% मार्क्स अबव 60% एंड अबव मार्क्स इन सब्जेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60% से 6 के 6 सब्जेक्ट में किसके ज़्यादा नंबर है। सबसे पहले मैं आयुष को देखता हूँ, तो आयुष के यहाँ तो 90% है लेकिन यहाँ 50 है, तो आयुष तो हो गया कैंसिल। ठीक है, 60 से ऊपर चाहिए हमें। अमन के हैं 100%, 80%, 80%, 40, तो ये भी कैंसिल हो गया, अमन भी कैंसिल हो गया। अब आ गया सेजल में 90, ठीक है, वो ऑब्टेन 60 एंड अबव। ठीक है, 60 एंड अबव यानी कि हम 60 को भी कंसिडर करेंगे और उससे जो अबव है उसे भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये भी 60 भी ठीक है, 70 ठीक है, 70 ठीक है, 90 ठीक है एंड 70 ठीक है। तो एक तो नाम आ गया हमारे पास सेजल, ये कंडीशन क्वालिफाई करता है कि उसकी 60% या उससे अबव नंबर सारे सब्जेक्ट में हैं। अब हम देखते हैं रोहित को, 80% ठीक है, 65 ठीक है, 80 ठीक है, 80 ठीक है, 60 60, तो रोहित भी क्वालिफाई कर रहा है। रोहित भी, मुस्कान को देखते हैं, तो मुस्कान की यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 50 है। ठीक है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 50 है, तो मुस्कान गलत, सेजल और रोहित सही है। तन्वी 70 75 65 40 40 गलत, तो तन्वी भी गलत, यहाँ 65 35, तो तरुण भी गलत। तो इसके आंसर है सेजल एंड रोहित। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है व्हाट वाज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय सेजल इन ऑल द 6 सब्जेक्ट। ठीक है, सारे 6 सब्जेक्ट में ये रहा सेजल, इसके कितने नंबर बनते हैं। देखो, अगर आपको पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो समझ आया है तो आप थर्ड क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ये कैसे करना है, लेकिन इसका आंसर आप खुद निकालेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगर किसी को भी दिक्कत होती है तो मैं इसको वापस सॉल्व करवाऊँगा। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो सेजल है उसके 6 सब्जेक्ट्स में कितने टोटल नंबर बन रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 90% ऑफ 150 टोटल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमें टोटल नंबर दिए हैं, तो कितना आ जाएगा, 15 9 से कितना होता है 135। ठीक है, आपको टेबल सारे आने चाहिए, विशाल सर आपको स्पीड मैथ्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो टेबल स्क्वायर क्यूब्स जो है वो तो मस्ट है। अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आपको स्क्वायर क्यूब्स एंड टेबल्स नहीं आते हैं तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये मतलब ये एक पहली सीढ़ी होती है बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करने के लिए। बैंक का क्या हो, SSC हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व है, आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप लोगों से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसी तरीके से 60 70 70 90 और ये निकाल के हमने इनको ऐड करना है और नीचे आंसर लिखना है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जो आंसर करते हैं मैं उन सबके आंसर देखता हूँ, उन सबके नाम पढ़ता हूँ, इसलिए आप भी ज़रूर आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज इज द बेस्ट। ओवरऑल परसेंटेज कौन से सब्जेक्ट में बेस्ट है। ठीक है, अब परसेंटेज की टर्म्स में हमें निकालना है, ये हमने क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, क्योंकि परसेंटेज की टर्म्स में तो ये ऑलरेडी ही दिया हुआ है हमें। ठीक है, परसेंटेज की टर्म्स में ये ऑलरेडी ही दिया हुआ है, तो हमने सिंपल ऐड कर देना है। इसको ऐड करते हैं हम, ये 5 आ गया। ठीक है, 9 प्लस 9 18 प्लस 8 26 प्लस 8 34 प्लस 6 40 47, 4 कैरी 575। ठीक है, तो 1 2 3 4 0। ठीक है, 2 कैरी 5 2 7 8 15 6। ठीक है, 8 15 6 21 6 27 6 33 40 4 30। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये 1 2 ही है 0 1 कैरी, ये आ गया 10 18 18 8, कितने होते हैं 26 26 और 7 हो गया मेरे पास 33 33 और 8 हो गया 41 41 47 और ये आ गया 520। ठीक है, 1 2 17 और 1 कैरी 6 4 10 11 7 18 8 26 9 35 35 और 8 43 और 7 507। अब ये लास्ट है, सेकंड लास्ट है,
इसमें क्या करना है, 70 + 80 150 और 90 हो गया 240, 300, 350, 390, 390 प्लस 80 कितना हो गया 470, ठीक है। 80 प्लस 70 कितना हो गया, 80 प्लस 70 हो गया 150, या आ गया 220, 280, 370, 370 और 60, 430, 430 और ये 510, ठीक है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो हाईएस्ट परसेंटेज दे रहा है 575, ठीक है। परसेंटेज क्या होती है, हमेशा 100 में से होती है परसेंटेज, ठीक है। तो 100 में से मैं काउंट कर रहा हूँ सबके लिए, तो 700 में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन देगा हमें, मैथमेटिक्स, ठीक है। बाकी के हम सामने क्लियरली देख सकते हैं कि कम बनेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मैथ्स। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ तरुण। तो तरुण की बात करते हैं, तरुण कहाँ गया, ये रहा तरुण, ठीक है। तरुण की बात करें तो 65 वो ला रहा है 150 में से, तो 65 इंटू 150 अपॉन 100 अगर मैं करता हूँ तो 50 रीजा 50 टूजा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, 1 carry 6 is 18, 195/2, ठीक है। इसको और थोड़ा हम कर लेते हैं, 9 18 आ गया, 15 7 14 आ गया, 10 तो 97.5, ठीक है। 35 इंटू 130 अपॉन 100 करते हैं अगर हम, तो ये कैंसिल इससे हुआ, 5 7 और ये 5 2, तो 13 7 कितना होता है, 13 7 होता है 91 अपॉन 2, तो ये कितना रहेगा, 45.5, ठीक है। 45.5, ठीक है, बिल्कुल 45.5, ठीक है। 50% तो सीधा 60 आ गया, और ये 100 में से 77 तो बिल्कुल 77 आ जाएगा, 80% यानी कि 80 क्या होता है, 4/5 इंटू क्या 60, 12 4 = 48, ठीक है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ये मैंने क्या लिखा, देखिए 80% जो होता है ना, 80/100, इसको हम सीधा लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। अगर आपको 60/100 दिया हो तो 3/5, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद करनी है कैलकुलेशंस को और तेज़ बनाने के लिए। जैसे अब यहाँ पर 80 है, मैं क्या लिखूँगा इसको, 80 को मैं सीधा लिखूंगा 4/5, कैसे लिख रहा हूँ मैं, 24 25, तो 4/5 हो गया, और 40 टोटल मार्क्स है हमारे पास कंप्यूटर साइंस के, तो 8 4 32। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है, सिंपल इसको ऐड कर देना है। अब जगह नहीं है यहाँ पे, करता हूँ मैं, 97.5 45.5 60 77 48 and 32, ये हमने ऐड कर देना है। ये तो एक हो जाएगा 0.5 0.5, तो 8 + 5 13 13, ये आ गया 720 28, और ये 30, 9 + 4 13 + 3 16 + 6 22 22 + 7 29 29 + 4 33 33 + 3 36, तो ये कितना बना मेरे पास, 360। अब ये व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल कितने नंबर है, ओवरऑल नंबर भी हमें काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कितने नंबर, कितने मेरे पास 150, उसके बाद 130, उसके बाद 120, उसके बाद 100, उसके बाद 60 और उसके बाद 40, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 50 और 30 80 और 20 80 और 20 कितना हो गया, 100, और ये हो गया 200, 00 2 कैरी हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 और 2 6, ठीक है। तो 600 मार्क्स टोटल हैं, और ये 100 है, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 60%, ठीक है। बहुत ही मेसी हो गया, लेकिन आंसर है इसका 60%, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको पूरा कम्प्लीटली समझ आएगा। तो आज के लेक्चर से इतना ही, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमें सब्सक्राइब करिएगा। मैं अभी बिगनर लेवल की DI आपको कम्प्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। 3-3 वीडियोज़ आपको बिगनर लेवल की मिलेंगी, 3-3 मॉडरेट की एंड 3-3 एडवांस लेवल की मिलेंगी। टोटल 9 वीडियोस हर एक DI की टाइप की मिलेगी। सबसे पहले मेरी कोशिश यही है कि आपको अवेयर करवा दूं कि कितनी टाइप की DI होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि DI कौन कौन सी टाइप की होती है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए पाई चार्ट होती है, ये टैबुलर होती है, फिर मिसिंग DI है, बहुत सारी DIs है, ठीक है। तो हर एक ही टाइप करेंगे, बिगनर मॉडरेट एडवांस तक पहुँचेंगे। तो इन दी एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, और अपना ध्यान रखिए।